सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दोस्त शब्द का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। हमारे दोस्त का जो अस्त कर दे वही सही मायनों में सच्चा दोस्त होता है। थोड़ी थोड़ी ही सही मगर बातें तो किया करो। चुप रहते हो तो भूल जाने का एहसास होता है। दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, बात तो दिल के नजदीकियों की होती है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो कितनों से होती है। आज का पंचांग 4 जनवरी 2022 दिन मंगलवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शाम 5:19 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 10:56 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:11 से 4:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 4 जनवरी 2022 दिन मंगलवार, लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से खुशी मिलेगी। यदि माता पिता हैं तो बेटे या बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल सकता है। किसी लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। करियर के मामले में छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता मिलनी तय है। आज से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिख रही है। प्रियजनों के साथ खुश रहें। आपके कामकाज में सुधार होगा जिससे अस्त व्यस्त दिनचर्या भी व्यवस्थित होगी। आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत सफल होगी। यात्रा की वजह से अनेक लोगों के साथ जान पहचान और पुराने लोगों के साथ मुलाकात होने की संभावना बन रही है। यात्रा के समय थोड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। अपेक्षा से अधिक पैसे खर्च होने की संभावना बन रही है। मानसिक रूप से जिन बातों में असंतुलन महसूस हो रहा है उनके लिए थोड़ा लचीलापन रखें। काम से संबंधित बातों में आ रही बाधा दूर होती हुई नजर आएगी, फिर भी काम को आगे बढ़ाने में अधिक प्रयत्न करना होगा। जब तक किसी व्यक्ति से पहचान नहीं होती है, आपके स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिलते, तब तक विवाह संबंधित निर्णय ना लें। कमर दर्द की तकलीफ भी हो सकती है। सावधानियां, घर में मेहमानों के आगमन से कई महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावटें आ सकती है जिसकी वजह से मन खिन रहेगा। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए ही मानहानि का कारण बन सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी भी पारिवारिक समस्या को आपसे सामंजस्य द्वारा समझाने का प्रयास करें, परंतु किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपनी शारीरिक जीवन पर ना होने दें। खुश मिजाज रहकर संबंधों का आनंद लेने का समय है। आपका स्वभाव हमेशा गंभीर रहा है, लेकिन अब आप संबंधों के बारे में और भी अधिक सोच रहे हैं। सब चीजों में छुपे हुए अर्थ ढूंढना बंद कर दें। इसके स्थान पर खुश मिजाज रहें और वर्तमान समय का आनंद लें। जिम्मेदारियां और अपेक्षाओं के बोझ के नीचे दबकर संबंधों की सारी गर्माहट और खुश मिजाजी को मरने न दें। बात करते हैं करियर की। कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यस्थल में प्रेम प्रसंग की एक भावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की भी जरूरत है। ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से बचें जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आपका ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान देगी जो चीज होनी थी वह होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें। बात करते हैं सेहत की। आप आसानी से इस समय की
अपने स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों का जायजा अपनी मानसिक दृष्टि से ले सकते हैं। जो कुछ आपके दिमाग में आता है उसे लिख लें, जो आपको व्यर्थ लगता है उसे जाने दें और बेहतरीन सेहत पाने के लिए जो जो कदम आप उठा सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के तौर पर अपने सामने रखें। ताजा भोजन सहित स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।